चलो वही लेना है जो मैंने आपको सेंड किया है, उसमें से दो पाई चार्ट वाला जो है वो देखो। सब देखो, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, टोटल टोटल एम्प्लॉयज दिया है 4,500। सेकेंड में दिया है, सेकेंड जो पाई चार्ट है वो फीमेल का है, फर्स्ट जो पाई चार्ट है वो टोटल एम्प्लॉयज है। तो टोटल एम्प्लॉयज में कौन कौन आएगा, मेल और फीमेल दोनों आएगा। ये जो हम कर रहे हैं ना वो पाई चार्ट है और मिक्स डीआई भी है, ठीक है। मिक्स डीआई है ये, मतलब दोनों वैल्यूज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो पहला वाला दिया है वो टोटल है, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों के दोनों है, सेकेंड में सिर्फ फीमेल है। और जो हमें अगर मेल निकालना है, मेल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो ऊपर का दिया है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसमें से अगर माइनस कर देंगे फीमेल तो हमें मेल मिल जाएगा। लेकिन इस टाइप में ना आपको पहले से वैल्यू मत निकाल के ले लो, जैसा वैल्यू आएगा जैसे क्वेश्चन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करो। पहले से निकालोगे ना इसमें बहुत टाइम जाएगा, टाइम जाएगा इसमें अगर हम सब निकालते बैठेंगे तो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन से जाएंगे। अगर क्वेश्चन से मिल रहा है वैल्यू तो हम साइड में लिख देंगे हमें ये वैल्यू मिला है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर वही वैल्यू हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली उठा सकते, फिर कैलकुलेटर कैलकुलेट करने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दो दो पाई चार्ट है, टोटल एम्प्लॉयज और फीमेल वाला। जो टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे दिया है 4,500, ये है टोटल। टोटल मतलब बॉयज और मतलब मेल और फीमेल। उसके बाद फीमेल का टोटल दिया है, फीमेल का टोटल दिया है 2,000। तो बताओ मेल का टोटल कितना आएगा, बताओ। 2,500 2,500 आ जाएगा, ठीक है। पहले से वैल्यू नहीं निकालना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे हम करेंगे। तो मैं क्वेश्चन फर्स्ट लिखती हूँ अभी। फर्स्ट क्वेश्चन ये मिक्स दिया है, ठीक है। ये आपको ऐसा क्लर्क की मेस में पूछ सकते हैं, ऐसा ऐसे टाइप का आता है वो मिक्स डी आई, बहुत पूछते हैं। मिक्स डी आई दे देंगे, कोई भी मिक्स डी आई होता है वहां पे, क्लर्क के मेस में आ सकता है। चलो, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, बस मॉडरेट बोल लो इससे। चलो वॉट, इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा क्योंकि टोटल दिया है, टोटल निकालना पड़ेगा। मतलब मेल का निकालने के लिए टोटल निकालेंगे, फिर फीमेल निकालेंगे, माइनस कर देंगे तभी मेल का मिलेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है। चलो, वॉट इज कौन सा दिया है ये? मिक्स दिया है, मिक्स दो है ना दिया है, मिक्स दिया है ये। वो जो 4,500 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, दो पाई चार्ट दिया है वो वाला ले रहे हैं। चलो, वॉट इज टोटल नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम डिजाइन कस्टमर रिलेशन एंड एचआर डिपार्टमेंट टूगेदर। तेजल, आप न्यू स्टूडेंट हो तेजल? हाँ मिस। आपका फर्स्ट लेक्चर है आज मैथ्स का? हाँ हाँ। अच्छा, आपको बोर्ड दिख रहा है ना? नहीं मैम, नहीं रहा है पर। नहीं दिख रहा है, एक काम स्वाइप करो, राइट साइड में जाओ, राइट साइड में जाते रहो जाते रहो, जब तक आपको बोर्ड नहीं दिखेगा। बोर्ड दिखा अभी? हाँ मैम। टैप कर दो, टैप कर दो उसपे, बड़ा हो गया। हाँ हाँ वो है। चलो, ये अभी टॉपिक ले रहे ना हम, दिया है डेटा इंटरप्रिटेशन। आपका कोर्स क्या है? मेरा एमपीएससी इंग्लिश है। अच्छा, चलो ठीक है। देखो अभी हम डीआई ले रहे, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। पाई चार्ट कभी सुना होगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ, वो ही है अभी चल रहा है, ठीक है। ओके। ग्रुप में कुछ मिला होगा आपको, आपका ब्रांच क्या है? आपका ब्रांच मतलब किस ब्रांच से लिया एडमिशन आपने? ये मीरा रोड से लिया है। मीरा रोड से लिया। आपके ग्रुप में आया है डीआई? एक दो डीआई आया होगा कल? नहीं आया तो नहीं है मेरा। कल रात को आपको? कल रात को नहीं। हाँ 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 वही वही।
फोटो भेजा होगा, डी आया होगा, ठीक है, वो ही हम देख रहे हैं, जो दो पाई चार्ट दिख रहे हैं आपको, दो सर्कल, यस मैम, तो सर्कल वाला डी आया है, वहां पे लिखा है टोटल एम्प्लॉइज 4500 और फीमेल 2000, वो वाला है, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसी का ही फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है मैम, यस। चलो बताओ किसी का आया, देखो टोटल पहले मेल निकालने के लिए पहले निकालोगे टोटल, ठीक है, अभी डिजाइन निकालना है, क्या करेंगे सब, डिजाइन जो है 32% है, तो 4500 का 32% निकालेंगे, वो वैल्यू आएगा टोटल, मतलब मेल और फीमेल का आएगा, उसके बाद 2000 का 28% निकालेंगे, फिर दो वैल्यूज आए हैं एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा मेल का वैल्यू, वैसे ही डिजाइन का निकालना है, कस्टमर रिलेशन का निकालना है और एचआर का निकालना है और सबका टोटल करना है, टोटल पूछा है और यहाँ पे मेल्स पूछा है, इसीलिए ये करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऐसे टाइप के ही आपको क्लर्क मेल्स में मिलेंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें नहीं मिलेगा वैल्यू, हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। डिजाइन, कस्टमर रिलेशन एंड एचआर, मेल का टोटल, देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो पहले हम डिजाइन निकालेंगे, ठीक है, डिजाइन का परसेंटेज निकालेंगे, फिर डिजाइन का फीमेल का परसेंटेज निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, देखो डिजाइन कस्टमर रिलेशन एंड एचआर बोला है ना, तो डायरेक्टली हम तीनों का परसेंटेज डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो टोटल डिजाइन का 7 डिजाइन का, अच्छा नहीं 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 देखो मैं बता रही हूँ कैसे करना, सही कर रहे हो आप, लेकिन एक साथ भी तो कर सकते हैं ना, इसमें एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ साथ में कर दो, 4500 है इनटू डिजाइन में, देखो कितना परसेंट दिया है, 32% दिया है डिजाइन का, कस्टमर रिलेशन सीआर का दिया है 22% और एचआर का दिया है 8%, तो इन सब का एडिशन कर दो, कितना हो जाएगा यार, 62 हो जाएगा, ठीक है, इसका डायरेक्टली 62% निकाल सकते हैं ना, उससे हमें क्या मिलेगा, देखो उससे हमें टोटल मिलेगा, टोटल मेल और फीमेल मिल जाएगा, उसमें से फीमेल माइनस कर देंगे, अगर हम सेपरेटली पहले निकाल देते, पहले अगर सेपरेटली निकाल देते उसमें टाइम जाता, इसलिए जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसा क्वेश्चन पूछा है हम वैसे हम करेंगे, सबका डायरेक्टली निकाल सकते, निकालना तो यही है, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते ना, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें बस मेल मेल से लेना देना है, मेल निकालना है बस, हो गया, चलो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5 into 2, 5 into 0, 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 900, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 into 3 होगा 6, 2 into 1 होगा, अभी 31 into 90 करना है, ये हो जाएगा 9 into 1 9, 31 into 9 एंड 9 into 3 27, 279 और ये जो जीरो है एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या है, टोटल है, टोटल मतलब मेल और फीमेल, उसमें से माइनस क्या करना है, फीमेल, तो फीमेल का भी देखो, फीमेल का टोटल कितना दिया है 2000, एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करना है, सबका सेपरेट सेपरेट मत निकालना, जब जरूरत पड़ेगा तब ही हम निकालेंगे, उसके बाद डिजाइन कस्टमर रिलेशन एचआर, अच्छा 2000 में इनटू कर देंगे, डिजाइन कितना है फीमेल में 28 है, उसके बाद सीआर दिया है, कस्टमर रिलेशन दिया है 20, उसके बाद एचआर, एचआर दिया है 16, हो गया, तो इसका 64% निकालना है, 0 0 डायरेक्टली कैंसिल कर दो, 64 into 20 कर दो, 1 to 8 0 आ गया, दोनों का दोनों वैल्यू आ गया, यही अगर सेपरेट सेपरेट करते तो कितना टाइम जाता, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन वो ऐसा भी देते हैं जहां पे आपको सेपरेट सेपरेट ही निकालना पड़ेगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है वहां पे टाइम जाता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन मेंस में आ रहा है तो हमें करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंस में थोड़ा टफ लेवल ही होता है, चलो ये हो गया फीमेल, 1 to 8 0 हो गया फीमेल,
अभी हमें मेल निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 2790 माइनस 1280 ये क्या हो जाएगा 2000 आपने 64 क्यों किया था, 64 टोटल हो गया ना इसका, इसका टोटल ये सबका देखो यहाँ पे दिया है डिजाइन कस्टमर रिलेशन एचआर जो परसेंटेज दिया है वो मैंने यहाँ पे लिखा 20 20 एंड 60 सबका एक साथ निकाल दिया 64%। ये 64% है, 64 डिवाइडेड बाय 100 आएगा, ये 62% है, तो कोई भी वैल्यू के साथ परसेंट लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, इसलिए अगर वो ही डिग्री होता तो डिवाइडेड बाय क्या करते डिग्री, क्या करते डिवाइडेड बाय 360 करते, चलो ठीक मैम, बट इनटू 100 करते है ना वो, नहीं वो इनटू 100 जब जरूरत होगी तब, हर टाइम पे इनटू 100 नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा मैं बता दूंगी, अगर वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे, वैल्यू पूछा है तो जो उन्होंने वैल्यू दी है वो ही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1510, ये होगा आंसर, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये टोटल है, टोटल मतलब फीमेल और मेल में से अगर फीमेल माइनस कर देंगे क्या बचेगा, मेल बचेगा, और उन्होंने मेल ही पूछा है हमें तो हमारा आंसर 1510 होगा, डायरेक्टली भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं हम। मैम वो दोनों पाई चार्ट का है ना, ये क्या बोल रहे हो आपने जो भेजा था वो दोनों पाई चार्ट का है ना ये, हाँ पाई चार्ट का ही फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ओके मैम। तेजल अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। हाँ यस मैम। ओके। देखो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है एसबीआई क्लर्क मेंस का, अभी एग्जाम हुआ है, कब था वो, 2 तारीख को था ना, 2 तारीख को देखा किसी ने एनालिसिस देखा, YouTube पे आता है एनालिसिस, वो बताते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था, कैसा क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली तो नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ एग्जैक्ट आता है, कुछ कुछ वो बताते हैं इससे टाइप का आया था कि तब कैसा था, दो शिफ्ट था एक सुबह और उसके बाद एक, दो शिफ्ट था, नहीं तो हमेशा वैसे SBI में दो ही शिफ्ट होता है, तो एक शिफ्ट जो था वो थोड़ा बहुत मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाला था जो फर्स्ट था शिफ्ट, उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था SBI क्लर्क मेंस की बात कर रही हूँ मैं, और वहां पे जो GA है ना, GA पे भी देखो मेंस के लिए सबसे ज्यादा फोकस हमें GA पे करना है, करंट अफेयर्स पे एग्जाम निकालना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में ना अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो खींच खींच के ज्यादा खींच ही नहीं सकते, एग्जाम में 50 मार्क्स का होता है, ठीक है 50-50 क्वेश्चंस आएगा दोनों में, लेकिन हमारा क्वेश्चंस अगर आप 20 भी करते हो ना तो भी अच्छा खासा अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि ऐसा लेवल होता है उसमें खींच के, मतलब आप बहुत स्मार्ट हो तो भी आप ज्यादा से ज्यादा 25-30 वहां तक जा सकते हो, 30 के आसपास अगर आप बहुत स्मार्ट हो, इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस आपको अगर मेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, GA पे फोकस करना है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब उनका थोड़ा पहले कैसा था कि पहले अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस पूछते थे, इतना टफ नहीं रखते थे GA को, अभी उन्होंने क्या किया, अभी थोड़ा डिटेल में पूछते, अभी ऊपर ऊपर का नहीं पूछते, वो पूरा डिटेल में जाके पूछते, तो पूरा एक अगर कोई क्वेश्चन है या एक कोई MCQ है तो उसके उसके ऊपर आपको जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब रीड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आया है जैसे नीरज चोपड़ा, सबको पता होगा, ऐसा कोई है जिनको नहीं पता नीरज चोपड़ा कौन है,
बोलो, पता है मैम। हाँ सबको पता है ना, देखो वो क्या करता है, उसका जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो है, ठीक है, जेवलिन थ्रो है। तो उनको ये नहीं पूछा था कि उसे गोल्ड मिला, पूरी दुनिया को पता है कि उसे गोल्ड मिला है, उसका नाम क्या है पूरी दुनिया को पता है, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अगर ये पूछेंगे तो, ठीक है, ये तो नहीं पूछेंगे। और वो किस गांव से है वो भी नहीं पूछा कि उसका विलेज क्या है, किस गांव से है, उसका लैंग्वेज क्या है, कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा था पता है क्वेश्चन, जैवलिन थ्रो जो होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, ऐसा पूछा था। तो हम मतलब जो भी स्टडी करते हो ना जीए में, तो थोड़ा डिटेल में किया करो, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ऐसा कोई सोचेगा नहीं ना उसका वेट का क्या लेना देना कि वेट क्यों पूछेंगे, लेकिन वेट पूछा था उन्होंने, ठीक है, जैवलिन थ्रो का वेट क्या है वो पूछा था। मैम ये जो लास्ट का आंसर आया आपने वो कैसे लाया, ये वाला 1.0? हाँ ये दोनों का डिफरेंस देखो, ये टोटल है, ये टोटल में क्या क्या इंक्लूड है, मेल और फीमेल इंक्लूड है, और ये क्या है फीमेल है, और हमें मेल पूछा है ना, तो मेल कैसे आएगा, माइनस कर देंगे, हाँ मेल नहीं फीमेल माइनस कर देंगे टोटल में से, हाँ फीमेल जो है फीमेल, हाँ फीमेल माइनस कर देंगे मेल मिल जाएगा, 1.510 आंसर, ठीक है, ऐसे ही करना। ये जो दिया है ना ऐसे टाइप का दिया होगा, अगर आपको टोटल दिया है, टोटल का अलग वैल्यू दिया है, पाई चार्ट अलग दिया है और फीमेल का अलग पाई चार्ट दिया है, तो दोनों के वैल्यू में से अगर मेल का निकालना तो आपको परसेंटेज निकालना ही पड़ेगा पहले टोटल का, उसमें से फीमेल का निकालना पड़ेगा, फीमेल का माइनस करने के बाद ही मेल का है, बाकी और कोई चांस नहीं है इसमें, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये मेंस का है, मेंस में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, मेंस में आपका बेसिक कितना क्लियर है वो आप वो देखते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। कभी कभी डीआई इजी होते हैं, मतलब वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे आते हैं वो कभी कभी डीआई, लेकिन उसमें वो कैलकुलेट करने के लिए टाइम जाता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग डीआई होते हैं, मतलब हर हर कोई कर लेगा, ऐसा डीआई भी आता है कि हर कोई कर लेगा, बस वहां पे डिफरेंस क्या होता है कि आप कितना टाइम देते हो हर एक क्वेश्चन के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। चलो क्वेश्चन टू इसी में। मैम एसबीओ के लिए वो सेक्शनल कट ऑफ रहता है या टोटल? नहीं 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 टोटल टोटल ओवरऑल ओवरऑल कट ऑफ, लेकिन सेक्शनल टाइम रहेगा वहां पे, आप सेक्शनल टाइम रहेगा। नोटिफिकेशन निकला है तो मैं फॉर्म दो दिन हो गया ना, दो दिन हो गया मैम, सिर्फ पीओ का निकला है ना, क्लर्क का नहीं निकला है ना? नहीं, नहीं क्लर्क का तो हो गया ना, एग्जाम ही हो गया, एसबीए की बात कर रहे हो, एसबीए पीओ का एग्जाम निकला है, दो दिन ही हुआ है, अगर किसी को फॉर्म भरना है भर सकते हैं, लेकिन अभी तक आईबीपीएस का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो वो कब आना भी नहीं चाहिए। मिस मैं 3 महीने छोटी पढ़ रही हूँ ना, मैं ये भी फॉर्म नहीं भर पाऊंगी। अरे 3 महीना नहीं, इतना नहीं, अभी मुझे लग रहा है 10-15 दिन में आ जाएगा, इतना वो अभी पीओ का भी लेना है, उन्हें क्लर्क का भी लेना है ना, तो आ जाएगा। मैम नेक्स्ट फॉर्म डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में निकलेगा ना? हाँ नेक्स्ट ईयर में निकलेगा, लेकिन उसके बाद दूसरे भी एग्जाम्स आएंगे ना, फिर से एसबीआई क्लर्क आएगा, इंश्योरेंस का एग्जाम्स आएगा, ऐसा नहीं आएंगे एसबीआई क्लर्क, हाँ आएंगे आएंगे वो, फिर टाइम लगेगा उस, अभी एग्जाम्स होंगे ना तो उसके बाद क्लर्क का फिर से आएगा ना। ओके मैम, देखो जो एमपीएससी यूपीएससी कर रहे हैं उनका एक साल में एक बार है, लेकिन जो बैंकिंग है या तो एसएससी भी है, तो एसएससी का हर टाइप का एग्जाम होता है, भले वो एक है लेकिन 10 बेसिस का अलग है, 12 बेसिस का अलग है, ग्रेजुएशन बेसिस का अलग है, और जो बैंकिंग कर रहे हैं उनके लिए तो भर भर के एग्जाम्स आते हैं, बैंकिंग का भी इंश्योरेंस का, और जो एमपीएससी यूपीएससी करे वो 7वें दे ही सकते एग्जाम्स। अगर क्लर्क का कौन सा निकला था, आईबीपीएस का कि एसबीआई का, आपने बोला भी क्या बोल रहे हो, जो आपने बोला ना क्लर्क का एग्जाम था वो आईबीपीएस था कि एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम था, तो उसमें भी एज था क्या मैम, कितना होना चाहिए 21 कंप्लीट? सब में होता है एज, सब में होता है मैम। आईबीपीएस क्या हुआ, आईबीपीएस का एग्जाम कब आएगा? अच्छा वो ही मैंने बताया, अभी आ सकता है 10 से 15 दिन में आ सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्जाम दिसंबर नवंबर दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में होगा।
चलो यहाँ पे रेशो पूछा आपको मेल्स इन एचआर, मेल्स इन एचआर, अच्छा मेल्स निकालना पड़ेगा, मेल्स इन एचआर, मेल्स इन अकाउंट्स, अभी जैसे किया था वैसे, लेकिन टोटल नहीं लोगे, टोटल लेके नहीं कर सकते क्योंकि रेशो निकाला है, सेपरेट सेपरेट निकालना है और उसी का ही रेशो बताना है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, टोटल अकाउंट्स का जो 12% दिया है, 4500 का 12% निकालेंगे, एचआर का है 12%, अच्छा अकाउंट्स का है ना, अच्छा पहले एचआर का निकालोगे, पहले क्या करोगे 4500 का 8% निकालोगे, फिर 2000 का 16% निकालोगे, तो उसमें से वो माइनस कर दोगे तो हमें मेल मिल जाएगा। सेम अकाउंट्स में करना है, 4500 का 12% निकालोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे 2000 का 12%, तो उससे आपको दो वैल्यूज आ जाएगा मेल का, तो उससे आप क्या करोगे रेशो निकालोगे, कैंसिल करते जाओगे जब तक कैंसिल होगा, बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए। चलो सब ट्राई करो, हेलो, हाँ नहीं बोलो, अच्छा करंट अफेयर्स कहाँ से रीड कर सकते, देखो सबसे ऐसा अभी जो एग्जाम हुआ है ना, जैसे अभी जो एग्जाम आया है या तो उसमें जैसा क्वेश्चन आया था, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि यहाँ से इतना आया था, यहाँ से इतना, ऐसा कोई कोई होता है हमेशा कि यहाँ से ज्यादा वेटेज था, इस यहाँ पे ये फॉलो करोगे तो वहां से ज्यादा आया था, ऐसा नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल में पूछा था। तो आप ये माइंड सेट पहले से ही बना लो, अगर हम जीए पढ़ रहे ना तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन है तो ऊपर से एमसीक्यू पढ़ लिया, उसका आंसर पढ़ लिया, वैसा नहीं पढ़ना है, अभी हम स्कूल में नहीं है, थोड़ा डिटेल में स्टडी करना सीखो, जो भी पढ़ोगे डिटेल में पढ़ो बस, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, रोज पढ़ोगे ना थोड़ा 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 आराम से हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है जीए। और अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको बताना ही है कि कहाँ से पढ़ना है, तो मैं बताऊंगी जो क्लाउड अफेयर्स, ठीक है ये क्लाउड अफेयर्स है, यहां से आप आपका 6 मंथ्स का या 1 ईयर का वैलिडिटी होता है उनका, मतलब 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर चाहिए या 1 ईयर का चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको बस पे करना पड़ेगा, ज्यादा चार्जेस नहीं है, 120 या ऐसा कुछ, 150 ऐसा कुछ तो है, एक बार देख लो, बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, यहाँ से पढ़ोगे जीए के लिए, मैं बता रही हूँ सिर्फ करंट अफेयर्स, और कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए अगर पढ़ना है यहाँ से पढ़ोगे ज्यादा अच्छा, लेकिन बस डिटेल में पढ़ो और कुछ भी नहीं, जो भी पढ़ोगे वो डिटेल में देते हैं आपको, वो डिटेल में देंगे, और उसके साथ अगर अड्डा 247 फॉलो करोगे, रोज डेली वीडियो देखोगे तो भी अच्छा है, इसके साथ बोल रही हूँ, सेपरेट सेपरेट नहीं, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा। चलो आया किसी का आंसर, 2:15 आया है, अच्छा ऑप्शन ऑप्शन में है। चलो देखते, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन एचआर, मेल्स निकालना है एचआर में, तो हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, जो टोटल है 4500 है, तो एचआर में दिया है 8%, ये कैलकुलेट करने के बाद टोटल मिलेगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो नीचे दिया है, नीचे का जो सर्कल है 2000 का है, तो 2000 में एचआर हमें दिया है 16%, तो 16% निकाल देंगे इसका, तो ये डायरेक्टली हम अगर मल्टीप्लाई भी करते हो जाएगा जल्दी, ये होगा 360,000 कैंसिल, 16 × 2 = 320 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 40, ये तो आ गया 40, अभी ये मिल गया हमें एचआर का वैल्यू, सेम हमें अकाउंट्स का भी करना है, अकाउंट्स में देखेंगे 4500 का 12% निकालना है, 4500 का 12% माइनस कर देंगे 2000 का 12%, अच्छा ये हो गया 450 आएगा शायद, ठीक है चलो ये हो गया 240, मतलब 300 हो गया, इसी का ही रेशियो निकालना है एचआर और अकाउंट्स का रेशियो पूछा है, तो हमारा एचआर का वैल्यू आया है 40
यहाँ पे लिख दूंगी HR, यहाँ पे है अकाउंट्स, अकाउंट्स का है 300, 00 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा। रेशियो में हम जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करते हैं, बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए, किसी भी वैल्यू से करो लेकिन दोनों को सेम वैल्यू से डिवाइड करना है और पॉइंट में नहीं लाना। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 into 2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आ गया, तो 2:15 ये होगा हमारा आंसर। सही है, 2:15 सही, 15, हाँ चलो करेक्ट है, करेक्ट ये होगा आंसर। किसी को डाउट है इसमें बोलो। देखो कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, और ये कोई कैलकुलेशन इतना बड़ा कुछ नहीं है, लंबा कुछ नहीं है, ये आपको करना ही है। ऐसा क्वेश्चन मेंस में आएंगे, आपको ऐसा करना ही है। मैम SBI PO के प्रीलिम में DI कैसा पूछते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऐसा स्पेसिफिकली एक एक होता है या सब मिक्स होता है? अच्छा, स्पेसिफिक भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है, DI में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न ही नहीं है उसका। ठीक है, कभी अगर मिक्स देना है तो मिक्स दे सकते हैं, या तो नॉर्मल देना है तो भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन DI, हाँ क्या बोल रहे हो, टफ लेवल होता है या इजी होता है? इजी से थोड़ा ऊपर रहेगा, मतलब मॉडरेट के आसपास, टफ नहीं होगा प्रीलिम्स से ना, तो टफ नहीं होगा, बस मॉडरेट हो सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, अलग से प्रैक्टिस करो, अगर आपको देना है तो अलग से प्रैक्टिस करो। आपका पोर्शन हुआ है मैम सिर्फ DI सिंपलिफिकेशन एप्रोक्सीमेशन ही बाकी है। बाकी है ना, मतलब बाकी सब हुआ है आपका, अभी DI तो हो जाएगा आपका, DI में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का अभी तो लिया था मैंने, शायद अभी लिया था ना, नहीं मैम मॉर्निंग के बैच में नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि अभी चल रहा है, आफ्टरनून में चल रहा है शायद, हाँ क्योंकि अभी मैंने लिया था उतना याद है, आफ्टरनून में होगा फिर। ठीक है, आफ्टरनून में अटेंड नहीं कर सकते क्या आप? यस मैम कर सकते, शायद चल रहा है, हाँ आफ्टरनून में चल रहा है, पार्ट 2 है सिंपलीफिकेशन का, हाँ तो वो अटेंड करो, आज अटेंड करो। और उसका उतना ही नहीं करना है, अलग से प्रैक्टिस करना है। देखो सिंपलीफिकेशन हर एक चैप्टर में आता है, सिर्फ इसी में नहीं आता, हर एक चैप्टर में आता है, तो वो करना ही है, क्योंकि सिंपलीफिकेशन मतलब ही कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन कहाँ नहीं है मैथ्स में, हर चैप्टर में है, तो जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके खुद के लिए अच्छा, आपका फटाफट मतलब टाइम आपका कम जाएगा कैलकुलेशन में। मैम हाँ बोलो बोलो। मैम MPSC में मैथ्स कहाँ पे, मतलब प्रीलिम्स में है कि मेंस में है? प्रीलिम्स में है, मेंस में नहीं है मैथ्स। मेंस में एक्चुअली आपको, अगर MPSC की बात कर रहे हो तो आपको मैथ्स तो करना ही है, रीजनिंग तो करना है, लेकिन ज्यादा फोकस थियरी में है, ज्यादा फोकस आपको थियरी में ही पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है वहां पे, मतलब अगर आप बाय हार्टिंग अच्छा करते हो, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है पढ़ते हो वहां पे तो, और सबका डिटेल में, और आपका जो करंट अफेयर्स होता है ना वो भी डिटेल में आता है, जैसे अभी मैंने बोला ना बैंकिंग में वो कर रहे हैं, बैंकिंग में ऐसा आ रहा है, पहले नहीं आता था, अभी जो है ना वो मुझे लग रहा है MPSC से थोड़ा बहुत उधार ले रहे हैं कि MPSC का कैसे डिटेल में आता है, वैसे ही अभी भी बैंक में कर रहे हैं, तो आपका जो करंट अफेयर होगा वो भी डिटेल में, मतलब आपका सबसे ज्यादा फोकस थियरी में है। मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है ना आपका ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने थियरी आपका टफ बना दिया है, तो इसीलिए इतना टफ नहीं आएगा आपको, मॉडरेट लेवल का मार्केटिंग डिपार्टमेंट।
आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज इन मार्केटिंग कस्टमर रिलेशन टुगेदर. चलो नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग, मार्केटिंग का नंबर ऑफ फीमेल निकालना पड़ेगा. उसके बाद दिया है टोटल एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन. तो आप सेपरेट सेपरेट मत निकालो टोटल एम्प्लॉयज का, डायरेक्टली मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन मतलब 18 और 22 दोनों का एडिशन करके डायरेक्टली परसेंटेज निकालो, उसका अलग से निकालो. और फीमेल का पूछा है यहाँ पे, मेल का नहीं पूछा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं. मतलब 14% आएगा 2000 का. तो हमें यहाँ पे परसेंट पूछा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होगा वो पूछा है. तो आप ऊपर क्या रखोगे, ऊपर आएगा जो फीमेल का मार्केटिंग का जो वैल्यू आएगा वो ऊपर आएगा. डिवीजन में क्या होगा, जो आपका टोटल एम्प्लॉयज आएगा मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन वो टोटल आएगा इनटू 100. क्यों होगा इनटू 100, क्योंकि परसेंट पूछा है इसीलिए. यहाँ परसेंट पूछा है और अप्रोक्सीमेट पूछा है मतलब अंदाजा लगाना है कितना परसेंट होगा. कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत यावा वैल्यू है तो आपको वो ऑप्शन देके टिक मार्क कर सकते हो. पहले निकालो फीमेल, निकालो मार्केटिंग का और मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन का टोटल निकालो, टोटल एम्प्लॉइज. करंट अफेयर्स के नोट्स, अच्छा देखो डेली करना है करंट अफेयर्स जो होता है ना, अगर आप डेली करोगे तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है डेली करो. डेली करोगे अगर आपको लिखना है नोट्स बनाना है तो एक बुक ले लो, एक बुक ले लो बड़ा वाला जो 300 पेजेस वाला होता है ना वो ले लो, 200 वाला मत लो. तो उसमें क्या करोगे, जो डेली का आता है आपको अलग से पेपर लेके नहीं बैठना है कि पेपर लोगे आप इम्पोर्टेंट निकालोगे, आपको बना बनाए मिल रहा है तो क्यों नहीं लोगे डेली का. अगर आप ये मैंने बोला ना अभी क्लाउड अफेयर्स का जो है परचेस करते हो तो वहां पे आपको मिलता है पीडीएफ भी मिलता है, तो वो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, फिर आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा. उसमें से अगर आपको इम्पोर्टेंट निकालना है जो अगर आपको याद रखने के लिए तो आप निकाल सकते. चलो बताओ इसका कितना आया. फिफ्टीन परसेंट आ रहा है. एक सेकेंड, ऑप्शन में 15 तो नहीं है, 16 है. मतलब अगर आपका 15 पॉइंट कुछ आ रहा है तो 16 हम मार्क कर सकते हैं अगर सही है तो. बाकी किसी का हाँ तो 16 हो सकता है. चलो और किसी का आया, पल्लवी का भी 15.55 है. अच्छा मतलब ऑप्शन में 15 नहीं है 16 है, तो हम 16 ही मार्क करेंगे. अगर 15 पॉइंट आ रहा है ना तो 16 हो सकता है. नेहा का भी 16 ही आया. ठीक है फीमेल इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में फीमेल मतलब फीमेल है 2000 है, उसका मार्केटिंग में दिया है 1 for 14%. तो 14% निकाल देंगे पहले, ये हो जाएगा 280, ये मिल गया फीमेल. अभी टोटल उन्होंने बोला है, पूछा है मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन, तो मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन का टोटल करेंगे 18 और 22. तो 4500 का 18 plus 22 इनका टोटल कर देंगे. 40% निकालना है
जीरो 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 कैंसिल कर दो, दो दो जीरो, ये जीरो एज इट इज आ जाएगा, 45 इंटू 4 कर देंगे, ये हो गया 1800। तो देखो यहाँ पे तो, अच्छा 280 है, यहाँ पे है 1800, ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है। चलो ठीक है, देखो नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग, अभी हमें हमेशा याद रखो जिसका भी परसेंटेज पूछा होता है, तो यहाँ पे किसका पूछा है आपको वो क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा किसका परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि नंबर ऑफ फीमेल जो है मार्केटिंग में वो कितना परसेंट है, तो उसका परसेंट कि वो कितना परसेंट है वो पूछा है, तो हम क्या करते हैं जिसका भी परसेंटेज पूछा होता है उससे हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो अभी यहाँ पे मार्केटिंग इन फीमेल मतलब इसकी बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसे ऊपर लिख देंगे। डिवीजन में क्या आएगा जो बचा हुआ है, क्योंकि मोर और लेस यहाँ पे दिया नहीं ताकि हम डिफरेंस लिखेंगे, मोर और लेस आता है तो ऊपर डिफरेंस आता है, मोर और यहाँ से ये लेस यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली पूछा है जो फीमेल है 280 वो ये जो टोटल है उसका कितना परसेंट है, इसीलिए 1800 डिवीजन में आ जाएगा। और जब भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज पूछते हैं हम क्या करेंगे इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 9 हो जाएगा 18.47, ठीक है चलो ये हो गया 16 पॉइंट आ रहा है, अच्छा 16.47, ठीक है चलो ये 140 डिवाइडेड बाय 9 है, तो इससे डिवाइड करेंगे 9 × 1 होगा 9, ठीक है 140 को डिवाइड करें 9 × 1 9 होगा, कितना बचेगा 5, 14 में से 9 माइनस कर देंगे 5 बचेगा, 0 कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ पे 50 बचा है तो 9 इंटू कितना करना पड़ेगा, 50 तो नहीं आता, 50 से पहले कौन सा वैल्यू आएगा, 5 आ जाएगा, तो 50 माइनस 45 कितना बचेगा, फिर से 5 बच रहा है, मतलब ये 5 5 5 5 चलता रहेगा, तो हम लिख देंगे 15.55%। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ना वहां पे ऑप्शन में है 26 36 6 46 and 16, तो हमारा आंसर क्या होगा 16 ही होगा, 15 के आसपास कौन सा वैल्यू आ रहा है 16, और उन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो अप्रोक्सीमेट में ये कितना हो जाएगा 16% तो ये होगा आंसर, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा है। इसके अलावा 16 देखो इतना आसपास भी नहीं दिया, मतलब 17 14 15 ऐसा भी नहीं दिया उन्होंने, थोड़ा दूर दूर दिया है, ठीक है तो 16% आंसर हो जाएगा। मैम मैथ्स में टोटल कितने ट्रैक्टर्स है बैंकिंग के लिए, 15 to 16 चैप्टर्स है। हेलो, हाँ बोलो बोलो, ये 1440 कहाँ से लाए, 2140 लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोला है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा ऑप्शन 16 है अप्रोक्सीमेट में, तो आंसर हम 16 ही मार्क करेंगे, 15.55 नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा कितना होगा, तो हमारा आंसर 16 ही हो जाएगा, बस यहाँ पे डिवाइड किया 140 डिवाइडेड बाय 9 15.55 आया है। ओके थैंक यू, और किसी को डाउट है क्वेश्चन में, सबका लिख के हो गया क्या? यस मैम।
कैसलेट हो गया है क्या? कैसलेट का तीन क्वेश्चंस हो गए, तीन हुआ था ना हमारा कैसलेट, एक मैंने ग्रुप में सेंड किया था शायद, हाँ, और दो यहाँ पे लिया था, दो लिया था ना या एक ही लिया था? दो लिया था मैम। अच्छा दो लिया था ना। और भी डीआई बाकी हमारा, फनल डीआई बाकी है, रडार ग्राफ बाकी है, मतलब वो एक्चुअली बैंकिंग में ही ज्यादा पूछते हैं, लेटेस्ट पैटर्न है वो, नया पैटर्न है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये कभी देखा ही नहीं है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेट करना आता ही नहीं है, इसीलिए वो लेना पड़ेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू नंबर ऑफ मेल्स इन सेम डिपार्टमेंट, सेम मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का आपको दोनों वैल्यूज पूछा उनका रेशियो, तो पहले तो टोटल यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा, टोटल निकालोगे उसमें से फीमेल भी निकालोगे, फीमेल तो यहाँ पे चाहिए हमें, यहाँ पे लिखा होगा। अच्छा व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अच्छा यहाँ पे फीमेल नहीं चाहिए लेकिन फीमेल निकालना पड़ेगा, मेल के लिए निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे टोटल पहले निकालोगे, टोटल लिख दोगे अलग से, टोटल में से फीमेल माइनस करके मेल निकालोगे, मेल अलग से निकाल दोगे लिख दोगे और उसका रेशियो निकालोगे, रेशियो पूछा है मतलब टोटल और मेल का रेशियो पूछा है आपने, लेकिन डिपार्टमेंट सेम है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। चलो निकालो जल्दी। नाइन इज टू फोर है, अच्छा ऑप्शन में है नाइन इज टू फोर, वीकली करंट अफेयर्स 9:4 आ रहा है, ठीक है ओके, ऑप्शन में है देखते हैं, चलो 9/4, अच्छा सबका सेम आ रहा है, ठीक है चलो सब बताओ। नाइन इज टू फाइव, नाइन इज टू फाइव या फोर आ रहा है,
मैम। हाँ बोलो। नहीं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं आया आंसर, बोलो कहाँ तक पहुंचे या कब तक आया, कहाँ तक आया आंसर वो बताओ। चलो हो गया मैम। हो गया, चलो ठीक है, सबका हो गया ना रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा ठीक है चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव का पहले टोटल निकालेंगे, तो 4500 का 8% आ जाएगा यहाँ पे, 4500, ये 00 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव का मेल्स निकालना है, तो उसके लिए पहले फीमेल्स भी निकालना पड़ेगा सेपरेटली, तो 2000 का 10% कितना आएगा, कैंसिल, 200 आ जाएगा। ठीक है 200 आएगा, लेकिन वो फीमेल का आ रहा है और हमें क्या चाहिए, मेल का चाहिए, तो मेल का हम क्या कर देंगे 360 में से माइनस कर देंगे मेल, ये जो है ये फीमेल है, फीमेल 2000 का 10% निकाला है, तो 360 माइनस 200 ये आ जाएगा 160, 00 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से 4 से जाएगा, हाँ चलो 4, 9:4 आ जाएगा, ये होगा आंसर, सही है सबका, जिनका 9:4 है सबका सही, 9:4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 9 और 4 × 4, 4 से डिवाइड कर देंगे 9:4 आ जाएगा। पर कर अब कर दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स आर what percent of total number of males। अच्छा ये आप बताओ कैसे करोगे, ये जो लिखा है कैसे करना पड़ेगा बताओ, 4500 में से 2000 माइनस करके, क्या फिर से बताओ, 4500 में से 2000 माइनस करके परसेंटेज निकालेंगे, माइनस करके, क्यों माइनस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेल। अच्छा लेकिन बताओ लिखोगे क्या, हाँ बोलो बोलो, 2000 upon 2500 into 100, 2000 upon 2500 into 100, सही है ऐसे ही करना है। देखो अभी मैंने बताया था जिसका परसेंटेज पूछा है हमेशा उससे ऊपर रखना है, तो फीमेल कितना परसेंटेज वो पूछा है, तो फीमेल को ऊपर कर धड़क देंगे, जो बचा है बाकी मेल है तो मेल नीचे आ जाएगा, और जब भी परसेंटेज पूछते हैं इनटू 100 तो निकालो आंसर, 80% है ऑप्शन में, यस मैम 80 आ रहा है, ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ बोलो बोलो, ये 160 कैसा लाया आपने, ये 160, 360 माइनस 200 ये टोटल है, टोटल में से फीमेल माइनस कर देंगे 160 आ जाएगा। अच्छा ओके ओके चलो, सबका आया परसेंटेज डायरेक्टली, फीमेल का फीमेल कितना परसेंट है वो पूछा, तो फीमेल ऊपर आएगा नीचे आ जाएगा, मेल टोटल ही बोला है, किसी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बोला, डायरेक्टली टोटल बोला। एटी परसेंट अच्छा ठीक, चलो फीमेल्स हमारा है 2000, तो ऊपर तो 2000 आएगा क्योंकि फीमेल्स है, डिवाइडेड बाय मेल्स लेना है डिवीजन में, लेकिन टोटल 4500 है, 4500 में से 2000 माइनस कर देंगे, जो मेल है 2500 वो मेल यहाँ पे आ जाएगा, और परसेंटेज पूछा है इसलिए इनटू 100 होगा, 00 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 × 4 होता है 100, 20 × 4 कर देंगे 80 आ जाएगा, तो 80% सही आंसर, सबका सही 80% आएगा। इसी में सेकेंड मैंने दिया था, अच्छा
डिग्री वाला है। अच्छा डिग्री वाला है सेकंड, चलो ठीक है। ये भी मेंस लेवल का ही है, जो सेकंड भेजा ना ग्रुप में, जो ग्रुप में सेकंड भेजा है वो पाई चार्ट लिखा है, पाई चार्ट डिग्री में दिया है सेकंड में, और मेन और वुमेन का नीचे आपको बॉक्स दिया है, वो रेशियो है मेन और वुमेन का। प्रोडक्शन, एचआर, आईटी, मार्केटिंग एंड अकाउंट्स, सबका मेन और वुमेन का दिया है। और जो टोटल पाई चार्ट है उसका वैल्यू कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3250 दे दिया है। पूरा का पूरा जो पाई चार्ट है सब डिपार्टमेंट का टोटल कर देंगे तो वो है 3250। चलो तो यहाँ पे भी क्वेश्चन से ही करना है, डायरेक्टली जाएंगे हम क्वेश्चन से, वहां पे भी वैल्यूज निकालेंगे, टाइम लग जाएगा, जो हमें वैल्यू चाहिए वो हम निकालते जाएंगे, क्योंकि ऐसे में पहले वैल्यू निकालोगे फिर करोगे तो आ जाएगा आंसर, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, जो चाहिए वो ही निकालेंगे हम। चलो सेकेंड पाई चार्ट सबको मिला है ना, वो देखो एक बार, अभी जो मैंने बताया वहां पे पाई चार्ट और बॉक्स है दोनों है, देखो जो अकाउंट्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऊपर दिया है डिग्री सर्कल में, और नीचे दिया है बॉक्स आपको मेन और वुमेन का, तो वो रेशियो है, मतलब प्रोडक्शन का अगर आपको जो भी टोटल मिलेगा उसमें से प्रोडक्शन जो है उसमें से चार मेन है और एक वुमेन है, लेकिन वो रेशियो में, तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी मिक्स डीआई ही है, ठीक है ये भी मिक्स डीआई है। प्रोडक्शन, एचआर, आईटी, देखो अभी यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे डिग्री दिया है, कोई भी वैल्यू के ऊपर ऐसा ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा कोई भी वैल्यू के ऊपर, यहाँ पे वैल्यू इसके ऊपर ऐसा दिया होगा गोल छोटा सा, वो डिग्री होता है, और डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जैसे परसेंटेज का वैल्यू 360, हाँ परसेंटेज का वैल्यू 100 है तो डिग्री जो होता है उसका वैल्यू 360 होता है। तो डिवीजन में जैसे हम परसेंट लेते, 20% है तो क्या लेते 20/100, 75% है तो 75/100, अगर वो ही 75 डिग्री होगा तो हम क्या लेंगे 75/360, 180 डिग्री होगा तो क्या लेंगे 180/360, 72 डिग्री होगा तो 72/360, जैसे परसेंट में करते वैसे ही डिग्री में आएगा, बस डिवीजन में परसेंटेज में 100 होता है, डिवीजन में डिग्री में 360 होगा, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं, करना वैसा ही है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर, मैं वैल्यूज लिख दूं क्या बोर्ड पे, बोलो नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा आप सब लोग नोट डाउन कर लो, चलो कर लो नोट डाउन, मैं भी कर लेती हूँ साइड में तब तक, चलो सब लोग कर लो, प्रोडक्शन से स्टार्ट करो, चलो प्रोडक्शन जो डिग्री का वैल्यू है ना साइड में लिख दो ताकि बार बार देखना नहीं पड़ेगा। मैम वो बॉक्स वाला में लिखेंगे ना सेम दोनों, हाँ बॉक्स वाला नीचे लिख दो। दोनों का जरूरत पड़ेगा हमें, एग्जाम में भी आप लिखोगे ना तो अगर सब सेपरेटली अगर लिख दोगे ना तो बार बार ऊपर नीचे देखने का जरूरत नहीं, अगर पहले क्वेश्चन को देखोगे फिर आपके शीट में जो भी आपने लिखा है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। पहले भी ऐसे रफ रफ में ऐसे जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है रफ में बस लिखा करो, ताकि आपको प्रीलिम्स में नहीं रखना है, प्रीलिम्स में नहीं करना है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आ जाता है,
सेपरेटली लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है तब। लेकिन अगर मेंस के लिए कर रहे हो ना, तो मेंस के लिए कैसे सेपरेटली निकाल के रखो ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े वैल्यूज, पहले निकाल लिया करो, क्योंकि फिर हम फोकस क्वेश्चन पे ज्यादा कर पाएंगे, ऐसे टाइम फोकस क्वेश्चन पे ज्यादा कर पाएंगे, डेटा हमारे पेजेस पे होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो लिख लिया ना सबने? यस मैम। चलो फिर क्वेश्चन वन लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन marketing department? चलो बताओ, main निकालना है यहाँ पे। main पहले क्या करोगे, जो degree वाला value है यहाँ पे marketing की बात हो रही है, मतलब 79.2 की बात हो रही है, तो 79.2 divided by 360 आएगा, into क्या होगा 3250, उससे टोटल मिलेगा। फिर इनटू क्या करोगे, मेन चाहिए तो मेन के लिए हम मार्केटिंग, यहाँ पे मार्केटिंग बोला है तो मार्केटिंग में ही मेन देखेंगे, जो मार्केटिंग में मेन है वो है 3, तो इनटू 3 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 3 + 2 = 5 होगा। 79.2 डिवाइडेड बाय 360 ना? हाँ, डिवाइडेड बाय 360 इनटू 3250 होगा। डायरेक्टली करना है सबका वैल्यू, एक साथ ही कर दो। फाइव फिफ्टी एट आ रहे हैं। अच्छा, एट फाइव एट नहीं, एक्चुअली आपका ज्यादा आ रहा है वैल्यू 858, यहाँ पे 400s में वैल्यू है। चेक करो एक बार फिर, कुछ छूटा है क्या?
42.9 नहीं 42 पॉइंट आ रहा है क्या? यस मैम। नहीं 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 पॉइंट में नहीं आएगा यहाँ पे वैल्यूज। चलो ठीक है मैं बता देती हूँ क्या करेंगे। देखिए मेन चाहिए ठीक है, पहले हम मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। मार्केटिंग चाहिए हमें, मार्केटिंग यहाँ पे है 79.2 लेकिन ये डिग्री में है तो डिवीजन में आएगा 1950 नहीं इनटू टोटल। अच्छा टोटल कितना दिया है क्वेश्चन में? 3250 दिया है टोटल, ये भी साइड में लिख दो 3250 टोटल है। टोटल मतलब 360 डिग्री का वैल्यू, पूरा का पूरा जो सर्कल है उन सब का वैल्यू 3250 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3250 ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा, मार्केटिंग मिलेगा। मार्केटिंग में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं मार्केटिंग में वो मिलेंगे, लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें तो मेन चाहिए। तो मेन के लिए हम आएंगे यहाँ पे मार्केटिंग में। देखो मेन और वुमेन है 3:2, तो मेन हमें चाहिए, जो हमें चाहिए हम वो ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे मेन चाहिए तो मेन ऊपर आ जाएगा 3 और डिवीजन में आ जाएगा 5। डिवीजन में आ जाएगा 5 ऊपर। अगर यहाँ पे फीमेल चाहिए होता तो हम क्या लिखते, 2 है ऊपर लिख देते 2 और डिवीजन में दोनों का टोटल 5। ये डिवीजन में दोनों का टोटल आएगा क्योंकि रेशियो दिया है, इसीलिए ऊपर 3 नीचे 5। ऐसे ही आपको सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है रेशियो के टाइम पे। ऐसे टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा अगर यहाँ पे रेशियो दिया है ना, इस टाइप से ही जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पे कर ही रहे तो डायरेक्टली क्यों ना करें, अगर साथ में ये मल्टीप्लीकेशन ही है तो एक साथ ही हम क्यों नहीं निकालेंगे वैल्यूज। तो जिसका चाहिए मेन चाहिए तो मेन ऊपर लिख दो, फीमेल चाहिए फीमेल ऊपर लिख दो, लेकिन नीचे जो लिखोगे वो टोटल ही होना चाहिए। टोटल डिवाइड करोगे क्योंकि इससे आपको टोटल मिलेगा। टोटल हम डिवाइड कर देंगे, टोटल टोटल से डिवाइड करेंगे, जो चाहिए हमें ऊपर लिख देंगे। 3 चाहिए 3 ऊपर लिख दिया क्योंकि मेन चाहिए। अभी इसे डिवाइड कैसे करोगे, देखो जब भी ना पॉइंट आता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट जब भी आता है ना हम देखेंगे कितने वैल्यू से पहले पॉइंट है। यहाँ पे एक वैल्यू से पहले है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है उससे पहले पॉइंट है। तो अगर ये पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट अगर हमें हटाना है तो हम क्या करते हैं, नीचे 10 बढ़ा देते। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 बढ़ा देंगे। अभी देखो ऐसा देखना होता पहले कि क्या ये किससे डिविजिबल है, वैल्यूज को देखना पड़ेगा। जैसे हम देखेंगे ये जो 36 है क्या ये हम डिवाइड कर सकती है 36 से ये पूरा का पूरा वैल्यू, तो हम ट्राई करेंगे पहले। छोटे छोटे वैल्यू से भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम जाता है। अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको 36 से जा सकता है नहीं, देख सकते हम। देखो 36 × 2 कितना होगा, 72 हो जाएगा ठीक है। 36 × 2 = 72 तो अगर यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 9 − 2 = 72 फिर से आ रहा है 72। तो मतलब 36 से डिविजिबल है वैल्यू, डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है 36 यहाँ पे आ जाएगा 100, 36 से डिवाइड कर लिया 100 आ गया। ऊपर 36 से डिवाइड करेंगे तो 36 × 2 हो जाएगा 72। 79 में से 72 माइनस कर दो 7 बचेगा, आगे 2 है तो फिर से आ जाएगा 36 × 2 = 72 डिवाइड हो गया। देखो अभी ये 3 से तो नीचे वाला कोई भी वैल्यू डिवाइड हो ही नहीं रहा है तो 3 को छोड़ दो। देखो 5 से ये डिवाइड हो सकता है, 5 से तो 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 × 6 होगा 30, 5 × 5 होगा 25 और 5 × 0 = 0 0 कैंसल कर दो। अभी यहाँ पे 5 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 5 × 2 होगा 10, 5 × 13 होता है 65, 13 × 5 = 65 इसीलिए यहाँ पे 13 आया। 2 से देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 11 × 13 × 3 पहले हम कर देंगे। 13 × 3 कितना होगा, 39 होगा,
39 इंटू 11 करना है, तो ये हो जाएगा 429 हो जाएगा, सही है, तो ये होगा आंसर 429। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बस कैलकुलेशन ही था और कुछ भी नहीं है। एक बार आपको बस फॉर्मेशन पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि मेंस के लिए कर रहे हो, तो मेंस का थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता ही है डीआई, तो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। इसीलिए बोलती हूँ रोज किया करो कैलकुलेशन, ऐसा ही करना है, ऐसा ही आपको एग्जाम में जैसे करना है वैसा ही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एग्जाम में अगर इस टाइप का आता है ना, तो आपको ऐसा ही करना है, इसी टाइप से जाना है। अलग से आना तो मेरा पूरा मतलब कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो गया। हाँ नहीं 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 ऐसा ही करो, देखो सेपरेटली करोगे टाइम बहुत जाएगा, ऐसे डायरेक्टली अगर हमें आ रहा है यहाँ पे तो कैलकुलेशन ही है। दो बार करने से अच्छा एक ही बार में हम निपटा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रखो, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और इसी टाइप से करना है, और कोई टाइप पे मत जाओ, सबको बता रही हूँ मैं। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा दो बार करोगे तो, इसी का आदत आदत डाल। से बताओ ना मैम क्या कैलकुलेशन? नहीं मैम ये जो ये वाला। हाँ हाँ अच्छा अच्छा बताती हूँ, चलो लिख लो पहले फिर बताती हूँ। चलो जो हम प्रॉपर रेशियो का जब चैप्टर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, तो वहां पे वैसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन डीआई में इस तरीके से जाना है, वहां पे वैसे ही करना पड़ेगा। वहां पे अगर ऐसे करने जाओगे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, लेकिन डीआई में बस याद रखो इसी टाइप से जाना है। जैसे देखो 79 अभी जो परसेंटेज दिया है 20% होगा 20/100 लिखेंगे, 25 होगा 25/100 लिख देंगे, तो यहाँ पे 79/2 था, तो यहाँ पे लिख दिया 79/2/360। ठीक है, अभी अगर 20% तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है ना मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360। अभी टोटल जो है टोटल को तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे इनटू 3250, क्योंकि 20% होगा, तो 20% किसका निकालते, जो टोटल होता है उसी का ही निकालते, तो यहाँ पे भी जो डिग्री में निकालेंगे वो टोटल का ही निकालेंगे, टोटल तो उतना ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला, एक ही है टोटल, 3250 आ गया। अभी जो मेन पूछा है ना, अभी फीमेल हो या मेल हो जिसका पूछा है ना, अभी देखो यहाँ पे 3 है मेन, मार्केटिंग में 3 है, इसीलिए ऊपर 3 लिखा है मैंने यहाँ पे, इसीलिए ऊपर 3 आ जाएगा। अगर वो ही फीमेल पूछा होता तो यहाँ पे मार्केटिंग में 2 है, ऊपर 2 आ जाता, यहाँ पे मेन है इसीलिए ऊपर 3 आया। और डिवीजन में क्या आएगा, दोनों का टोटल 3+2 5 हो जाएगा, तो डिवीजन में हम 5 लेंगे, इसे ही सॉल्व करना है। डिवीजन में क्या लेंगे, डिवीजन में हमेशा टोटल ही लेंगे। अगर 2 दिया है मेन और वुमेन का, तो डिवीजन में अगर आप रेशियो से निकाल रहे हो, रेशियो दिया है मेन और वुमेन का, तो अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये तो इससे तो टोटल वैल्यू मिलेगा, ये जो है ना इसे क्या मिलेगा हमें, टोटल मार्केटिंग में कितना मेल और फीमेल का टोटल है वो मिलेगा, उसमें से मेन निकालना है तो मेन हम ऊपर लिख देंगे, मेन निकालना है तो डिवीजन में टोटल आ जाएगा। मतलब इसी का ही हम क्या निकाल रहे हैं, 3/5 निकाल रहे हैं, 3 हमें चाहिए, 2 हमें नहीं चाहिए, लेकिन किस में से चाहिए, 5 में से 3 चाहिए, इसीलिए डिवीजन में 5 आएगा। वैसा ही जो क्वेश्चन अभी अभी लेंगे वैसा ही जाना है। हेलो, हाँ बोलो मेरा मैडम, मैंने ये टोटल 715 आया था, लेकिन मैंने क्या किया उसको इंटू 3 किया, 3 × 5 नहीं किया, तो मुझे अभी समझा हो लास्ट में कि वो टोटल का वैल्यू 5 का वैल्यू 715 है, तो 3 का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं हम यहाँ। ओके ओके, मतलब आप सही थे, बस आपका 5 नहीं था, 5 डिवाइड करना था ना।
चलो क्वेश्चन टू इसी में. What is the respective ratio of number of women working in HR to number of men working in IT department? चलो अभी जैसे किया है ना वैसे ही करना है, बस सेपरेट सेपरेट करना है. यहां तक जो है यहां से यहां तक अब सेपरेटली निकालोगे, फिर टू दिया है वो अलग हो गया, यहां से यहां तक सेपरेटली निकालोगे. मतलब दो बार करना पड़ेगा और उसी का ही जो वैल्यू आएगा उनका रेशियो निकालना है. चलो सब कैलकुलेट करो नंबर ऑफ वुमेन इन एचआर. तो यहाँ पे एचआर में दिया है 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 360 ये तो डायरेक्टली आ जाएगा. 36 डिवाइडेड बाय 360 है, इजी है ये. इनटू 3250 करोगे, लेकिन वो वुमेन का चाहिए तो वुमेन है ऊपर आ जाएगा 13 और डिवीजन में आ जाएगा 25. तो ये इजिली आ जाएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं है इसमें. और नेक्स्ट करोगे आई टी तो 57.6 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3250 इंटू मेन पूछा है आईटी में तो इंटू ऊपर होगा 7 डिवाइडेड बाय 10. चलो सब ट्राई करो, सबका आना चाहिए. आईबीपीएस का नहीं आया अभी तक, आईबीपीएस का नोटिफिकेशन. एसबीआई पीओ का आया है, आईबीपीएस का अभी तक मुझे तो मैसेज नहीं आया अभी तक. आपको आया क्या पल्लवी? आपको आया? फोटो सेंड किया है ग्रुप में, थाना ब्रांच में सेंड किया है आपने. अच्छा आईबीपीएस किसका आया है नोटिफिकेशन? पीओ क्लर्क दोनों का साथ में आया या पीओ का आया? कभी कभी जुलाई में था. अच्छा वो वाला मत देखो, वो वाला तो बंद हो गया ना.
वो वाला उन्होंने डायरेक्ट नहीं उसने बोलो बोलो उसमें डेट मेंशन किया है कि 12 जुलाई तक जिसने अप्लाई किया है ना उस हाँ? मतलब उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है ना वो अप्लाई कर सकते हैं करके। अच्छा मतलब आया होगा हाँ। देखना पड़ेगा, समझ जाएगा ये आज अगर आया। 169 अपॉन 364 169। एक सेकंड, इतना बड़ा वैल्यूज नहीं आ रहा है। Yes, 169 is to 360. Yes, ma'am. Same, ma'am. Same आ रहा, 364. अच्छा देखो ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? प्राइम नंबर से देखो, प्राइम नंबर से किसी से डिवाइड हो रहा है क्या दोनों? क्योंकि यहाँ पे तो टू डिजिट में ही आंसर, थ्री डिजिट नहीं है। 169 तो 13 के टेबल में आएगा, 13 का स्क्वायर है, तो क्या 13 से 364 डिवाइड होगा या नहीं होगा बताओ? देखो 13 से होगा ना, दोनों कर दो डिवाइड, वो रेशियो नहीं आया आपका। आपको लगेगा ऐसे एग्जाम में करोगे, आपको लगेगा अरे मेरा रॉन्ग हो गया, सही है आपका, सही है, बस वो रॉन्ग और डिवाइड करना है वहां पे। आपको फिर लगेगा कि मैंने कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ किया है, सही किया है, सब सबका आया था वो सही है, बस 13 से डिवाइड करो। 13 अपॉन 28 13 और 28 आ रहा है। अच्छा हाँ हो सकता है, सही है सही है, 13 28 है ऑप्शन है शायद, 13 28 हाँ है हाँ मैम। देखो नंबर देख के पता लगना चाहिए, अगर कोई ऑड नंबर है ना जो आपने कभी देखा नहीं ऐसा कोई है नंबर, तो वो प्राइम नंबर से डिवाइड होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है? यही होता तो अगर आपको नन ऑफ दिस आता, या तो नन ऑफ दिस मारते आप या तो छोड़ देते, तो समझ में आना चाहिए डिवाइड होगा। चलो रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन एचआर, एचआर मतलब ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 3250 इनटू, एचआर में क्या पूछा है वुमेन, मतलब 13 डिवाइडेड बाय 25, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, 00 कैंसिल कर दो, 5 इनटू 5 होगा 25, 5 इनटू 6 30, 5 इनटू 5 25, यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 565, तो 13 इंटू 13 169 होता है, तो यहाँ पे 169 आ रहा है, 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर भी पता होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन आईटी, आईटी में दिया है 57.6 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3250, और यहाँ पे आईटी में दिया है, आईटी में पूछा है मेन, मेन मतलब 7 आएगा ऊपर डिवाइडेड बाय 10, तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम जीरो बढ़ा देंगे, जैसे अभी बताया था। देखो 576 है ना, 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर, 24 के टेबल में देखो 36, 360 जाएगा क्या 24 से? 24 का स्क्वायर है, 36 जाएगा। देखो ऐसे ही करना होता है, ये 576 है, ये हमें दिख रहा है स्क्वायर तो है, तो हम नीचे वाला ही वैल्यू देखेंगे कि यार जा रहा है। देखो कैलकुलेशन इजी होता हो जाता है उससे, हमें देखना होता है कि किसे नंबर देख के समझ में आना चाहिए। चलो ये तो 24 से डिवाइड होगा, 24 इंटू 1 होगा 24, तो 36 माइनस 24 कर देंगे, ये कितना आएगा 120, तो ये डायरेक्टली 5 से जा सकता है। ये हो गया 24 का स्क्वायर है, इसलिए 24 इंटू 24, और ये 24 से डायरेक्टली डिवाइड किया है, यहाँ पे आया है 150, ये जीरो और ये जीरो गया, 5 × 3 होगा 15, 5 × 6 होगा 30, 5 × 5 हो जाएगा 25, अभी ये 3 × 8 होगा 24, अभी ये 0 जो है यहाँ पे 5 × 2 होगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 13 × 5 65, 2 × 4 होगा 8, अच्छा ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 52 × 7
364 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 364 डायरेक्टली वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद, 4 इंटू 13 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया 364 आ गया। अभी ये रेशियो नहीं है ऑप्शन में, तो तभी हमें चेक करना होता है, कभी कभी हमारा गलत हुआ होता है, कभी कभी नहीं होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये 13 का स्क्वायर है, तो ये 13 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, 13 इंटू 13 होता है। अभी ये हम देखेंगे 13 से डिवाइड होगा या नहीं, 13 इंटू 3 होता है 39, तो 13 इंटू 2 लेंगे, 13 इंटू 2 होगा 26, तो ये कितना बचेगा 104, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 8 104, तो 13:28 ये होगा आंसर, ठीक है। ऐसे घुमाते आपको एग्जाम में ऐसे होता है। और इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, मेंस में ऐसा इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, ये इतना टफ नहीं है, ये बस आपको आदत नहीं है इसके लिए लग रहा होगा थोड़ा टफ, ऐसा लग रहा होगा कहाँ से कौन सा वैल्यू आया नहीं समझा, लेकिन आदत नहीं है, आदत लगा लो, कैलकुलेट करने की आदत लगा लो, सब होना ही चाहिए कैलकुलेशन का आदत, मैथ्स कर रहे हो तो कैलकुलेशन का आदत होना ही चाहिए, टेबल्स बाय आर्ट होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब बाय आर्ट होना चाहिए, परसेंटेज आना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं उसके अलावा, एग्जाम निकालना है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं ऊपर, किसी को डाउट है बोलो, इसमें किसी को डाउट है या नहीं है? मैम हाँ बोलो, वो आईबीपीएस का भी जो ग्रुप में मैसेज आया है वो क्लर्क के पोस्ट के लिए है ना? अभी मैंने एक्चुअली मैं ग्रुप में नहीं हूँ, तो मुझे खुद को पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आया है नहीं, क्योंकि कभी कभी फेक भी होता है, और लेकिन आ भी सकता है, अभी अभी चांस है कि आए। ओके मैम, लेकिन अगर आप कंफर्म करके कल आपका लेक्चर होगा तो कल बता दो। हाँ ठीक है, कल बता दूंगी। चलो ठीक है मैम, शायद निकला है क्लर्क का नोटिफिकेशन। हाँ मैम, क्योंकि हर सब जगह पे यही बता रहे हैं कि क्लर्क का आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अच्छा, तो हुआ होगा, अगर सब जगह पे बता रहे हैं ना तो फेक नहीं होगा, कभी कभी एक एक अगर पीओ का नहीं हुआ अब तक, पीओ का और क्लर्क का दोनों का साथ में होता है एक्चुअली, नहीं हुआ है क्या? नहीं मैम, सिर्फ क्लर्क का ही बता रहे, बोल रहे नोटिफिकेशन आउट हो गया है अभी मॉर्निंग में हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ एक बार, ठीक है। सबको वैसे भी आ ही जाता है, अगर आपने कोई डाउनलोड किया है आप तो ऐप में भी वो सेंड कर ही देते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, सब जगह पे आएगा, अगर आउट हुआ है तो सब जगह यूट्यूब पे हर जगह पे बता रहे हैं मैम, हर जगह पे बता रहे, तो आया होगा फिर, आया होगा मैम, उनके वेबसाइट पे बता रहे हैं कि वो स्टॉप किया है एप्लीकेशन, अभी भी बता रहे क्या? अगर आया होगा तो, नहीं आया होगा तो मैं नहीं बताऊंगी, कल मॉर्निंग में बता दूंगा। अच्छा चलेगा चलेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ मेन working in production department forms what percent of total number of employees working in that department?
अच्छा टोटल नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन प्रोडक्शन तो वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन की ही बात हो रही है। तो पहले कैसे लिखोगे पहले बताओ कैसे लिखोगे, ऊपर क्या आएगा परसेंटेज पूछा, ऊपर क्या लिखोगे नंबर ऑफ मेन इन डिपार्टमेंट वाला। हाँ तो ऊपर आ जाएगा मेन प्रोडक्शन में मेन कितना है वो ऊपर आ जाएगा, डिवीजन में आएगा प्रोडक्शन का टोटल इनटू 100। ये 100 क्यों आएगा क्योंकि परसेंट पूछा है इसीलिए 100 आएगा, डिग्री नहीं पूछा है परसेंट पूछा है इसीलिए इनटू 100 तो आएगा। जब भी परसेंटेज पूछेंगे इनटू 100 हम लिखेंगे ही कंपल्सरी है। मैम 80% है क्या? 80 नहीं 80 आ रहा है। हाँ 80 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है बाकी सब जो वैल्यूज 80 के आसपास तो हैं। 80 आ रहा है या 88 आ रहा है? 80 आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, बाकी सबका कितना आया? हाँ 80 है, सही है सही है, 80 वेरी गुड सही है। हाँ सही है क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं था, नन ऑफ दिस था ऑप्शन में नहीं था इसलिए मैंने कंफर्म किया पहले। 80 सही है। और किसी का आया हमें बता दूं? करो करो तो लेना पड़ेगा इनटू 3250 और यहाँ पे मेन के बारे में बोला तो प्रोडक्शन में मेन है 4/4, इससे हमें मिलेगा टोटल मेन इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन निकालना है, मतलब वही करना है 136.8 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 3250 इनटू 100 ये करना है। देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो वाला ये जो है ना ये एज इट इज रखो, देखो 136.8 इनटू 3250 इनटू 4/5, ये डिवीजन में आ जाएगा 5, 360 इनटू 5 हो जाएगा ठीक है। अभी कभी भी अगर डिवीजन में डिवीजन है हमेशा याद रखो, दो डिवीजन है डिवीजन में अगर डिवीजन है तो ये हो जाता है उल्टा, उल्टा होके ऊपर जाता है, मतलब ये क्या होगा into 136.8 into 3250 divided by 360 into 100, इसे ही सॉल्व करना है। देखो जो कॉमन है वो हटा दो, यहाँ पे 360 अच्छा मैंने उल्टा तो नहीं लिखा ना, मैं उल्टा लिखने को बोला ना आपने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने एज इट इज लिख दिया था उल्टा मैंने बोला और मैं एज इट इज लिख दिया।
इंटू 360 डिवाइडेड बाय 136.8 इंटू 3250 इंटू 100। देखो जो कॉमन है वो हटा दो, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, ये वाला भी हट गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2, 100 से डिवाइड, 5 से डिवाइड किया 100 को, 20 आ गया, 20 इंटू 4, 8080 आ गया, 80% आ गया आंसर। कितना इजी था ये, अगर सेपरेट सेपरेट निकालोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट निकालोगे तो नहीं, ये मतलब कट करना है ये। हाँ कट करना, डायरेक्टली कट करना है, बस पहले लिख लो जो भी है, पहले लिख लो जो भी वैल्यूज है सब लिख के रखो, ताकि बाद में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उल्टा करके बस जो जो वैल्यूज कॉमन कॉमन दिख रहा है पहले उसे कैंसिल कर दो, और जो बचा है उनका डिविजन करो, आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। यही हम खुद से, खुद के हाथों से कभी कभी लेंदी बना देते, लेंदी होता नहीं कभी कभी, तो वो तो कट हो जाएगा, तो बाकी कोई भी होने दो, अगर परसेंटेज में है ना तो उल्टा करके आप कैंसिल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में कर सकते हो, सिर्फ इसी में करना, ऐसा नहीं। प्रोडक्शन हो या तो कोई अकाउंट का दे देते नीचे तो भी चल जाता, अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो कैंसिल, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यही मेथड से जाओ, कभी कभी कैंसिल होता है इसमें, सब नहीं होगा लेकिन आधा तो हो जाएगा, बाकी कर सकते हैं। अच्छा इसमें सबरे में बहुत टाइम लगता है। हाँ एक्चुअली टाइम लगता है, वो पता भी होना चाहिए ना कैसे करना है, इजी ये इसीलिए मैंने बोला, कभी कभी हम खुद के हाथों से कैलकुलेशन को टफ बना देते, वो उतना होता नहीं है, वो हमें क्वेश्चन से समझना चाहिए, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन मेथड सही होना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा किस क्वेश्चन को किस मेथड से जाना है। कभी कभी एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं होता है, कभी कभी सच में डिफिकल्ट होता है वो, और दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, तब तो सबको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। आगे आपको अच्छा ये तो एक्चुअली मैम ने भेजा है, दिसंबर में होता है इसका, ये तो मेन साइट पे क्यों नहीं दिखा रहे है? जो हाँ तो वो मेन साइट पे दिखाना चाहिए था ना, हाँ यहाँ पे डेट भी दिया है, अच्छा अभी थोड़ी देर के बाद, अभी मैं मुझे भी ग्रुप में जो फॉर्म सब जगह पे मैम ने सेंड किया है, लेकिन मेन साइट पे एक बार चेक करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है देख के तो लग रहा है कि शायद सही है, ये गलत तो नहीं लग रहा है, सही है, कौन सा फॉर्म है वो, ये IBPS का ये वाला, मैम सिर्फ PO का ही आया है, SBI PO PO का है ना, हाँ SBI, ये क्लर्क का दिखा रहे, देखो ना यहाँ पे लिखा है क्लर्क, उसमें तो दिखा नहीं रहा मैम, मैम IBPS का तो कोई मतलब मैसेज नहीं आया आईडी पे, क्या बोल रहे हो, ग्रुप में मैसेज नहीं आया IBPS का, तृप्ति मैम ने सेंड किया है शायद, डोंबिवली के ग्रुप में है, नहीं मतलब गुरुवली मेरा तो नहीं आया है, देखो अगर सच में आया ना तो किसी से छुपने वाला थोड़ी है, वो तो सब पूरे इंडिया के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है, ठीक है, तो छुपेगा तो नहीं, अगर आएगा तो सबको पता चल ही जाएगा, और आपको टाइम ऐसा नहीं कि आज आए तो आज के आज ही भरना है, एक कल तक रुक जाओ, कल तक सही होगा तो आपको कंफर्म हो ही जाएगा, वैसे ग्रुप में भी डाला है मैम, क्लर्क का है, PO का है, वो तो अभी यहाँ पे क्लर्क लिखा है,
और वहां पे उनको उनको आया था वो पीओ का था, तो शायद दोनों का आया होगा क्योंकि पहले पीओ का एग्जाम होता है उसके बाद क्लर्क का होता है, इसीलिए पहले पीओ का होता है, तो भी आया होगा तो समझ ही जाएगा अगर, और YouTube पे भी आ जाता है, Google पे भी आ जाएगा, मेन साइट पे भी आ जाएगा, ipps.in वाला जो साइट है वहां पे भी आ जाएगा, सब जगह पे आएगा अगर आया है तो। और यहाँ पे भी मैसेज से ऐसा लग रहा है कि सही है, रॉन्ग तो नहीं लग रहा, गलत नहीं लग रहा। हो सकता है क्योंकि ये डेज में आने का बहुत चांस था, मुझे लगा ये टाइम पे आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन आईटी। फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल number of employees in the organization from all डिपार्टमेंट्स, तो ऑल डिपार्टमेंट्स का बोला है, सब डिपार्टमेंट में, तो आप ये नहीं करोगे कि मैं 3136/360 into 2530 फिर एचआर का निकाल लिया, आईटी का निकाल लिया, सबका टोटल पता है हमें 3250, तो डिवीजन में 3250 ही आएगा, सबका निकालते मत बैठो, टोटल तो 3250 ही है, इंटू 100 तो आएगा क्योंकि परसेंट पूछा, और ऊपर क्या आएगा, वुमेन इन आईटी डिपार्टमेंट, तो आईटी इसका तो निकालना पड़ेगा, इसका जो वैल्यू है पहले निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3250 into 100, इतना ही है, क्योंकि ऑल डिपार्टमेंट बोला है, मतलब ऑल डिपार्टमेंट मतलब सबका टोटल 3250 आएगा। मतलब नंबर ऑफ वुमेन इन आईटी मतलब ये हो जाएगा 57.6 डिवाइडेड बाय 360 into 3250, ये, और फीमेल बोला है, वुमेन बोला है आईटी में, तो ये है इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ये जीरो हटाने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 360, ये तो किया था ना हमने, ये मेन का किया था मुझे लग रहा है, 576 से देखो फिर से 576, ये तो हो जाएगा 24, फिर से यहाँ पे 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 into 1 into 5 into 0, 150 आएगा, 0 0 कैंसिल, 5 into 3 होगा, 5 into 6 and 5 into 5, 3 into 8 हो जाएगा, और डिवाइड होगा, हाँ और डिवाइड होगा, 5 into 2 होगा 10, ये हो जाएगा 13, 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 into 4, तो 13, 52 into 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3250 into 100, ये मैंने सेपरेटली कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है, ये डायरेक्टली 3250 नहीं लिया, पहले से कैलकुलेट कर दिया, फिर डायरेक्टली यहाँ पे 3250 लिखा है, फिर 100 लिखा है, डायरेक्टली कर दिया है। अच्छा, ये पहले 0 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से यहाँ पे जाएगा, 5 into 6 30, 5 into 5, 5 into 2, 13 से देखो, 13 के टेबल में दोनों आता है, 13 into 4 होगा 52, 13 into 5 हो जाएगा 65, तो ये पॉइंट में आएगा, 4 into 3 12 into 2 24 divided by 5,
तो इससे अगर डिवाइड करेंगे 5 × 4 होगा 20, 4 बचेगा, तो पॉइंट है तो 4 का 40 हो जाएगा, 5 × 8 हो जाएगा 40, तो 4.8% ये आएगा आंसर, 4.8%। ये जो है ना, ये मैंने सेपरेटली किया है, उसके बाद जो वैल्यू बचा है वो डायरेक्टली लिखा है, उसके बाद 3250 और 100 वो तो आएगा ही कॉमन, आंसर 4.8 है। करेक्ट है पल्लवी, सही है आपका। देखो डिंपल ने, चलो ठीक है, 4.8 सही है। वेरी गुड डिंपल, वेरी गुड पल्लवी, सही है, सही है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बोलो। ये 4.8 एक बार एक्सप्लेन करो ना, कैसा लाया? 4.8 कैसे लाया, मतलब क्या क्या एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो आप? इसका परसेंटेज में कैसा लाया? परसेंटेज में उन्होंने परसेंटेज में ही पूछा है, मैंने ये किया है, देखो 576 डिवाइडेड बाय 3600 इनटू 3250 इनटू 3/10, तो इससे हमें क्या मिलेगा, टोटल वुमेन मिल जाएगा। जो वुमेन पूछा था, तो वुमेन जो बोला है, उन्होंने बोला है वुमेन जो है वो कितना परसेंटेज है टोटल ऑल डिपार्टमेंट के टोटल का, तो ऑल डिपार्टमेंट का टोटल ये है 3250, तो डिवाइडेड बाय 3250 आएगा। और जब भी परसेंट पूछते हैं तो यहाँ पे इनटू 100 तो आएगा ही, इनटू 100 आएगा यहाँ पे, कि सबको सॉल्व किया है तभी 4.8 आया, ठीक है। यहाँ पे इनटू 100 परसेंट पूछा है, इसीलिए इनटू 100 किया है। और ये टोटल है ना, टोटल यहाँ पे फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट बोला है, इसीलिए 3250 डिवाइड किया है। और ये जो है ना, ये वाला कैलकुलेशन में यहाँ पे सेपरेटली कर दिया, उसके बाद जो बचा है, यदि कुछ 4 × 13 × 3 बचा है, तो यहाँ पे 13 × 4 52 और 3 एज इट इज ले लिया ये वैल्यू, और ये जो बाकी बचा है 3250 और 100 एज इट इज सेपरेटली लिया है, और उसके बाद इनका कैलकुलेशन किया है, तो 24 / 5 4.8% आया। किसी को डाउट है और बोलो। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये वाला डी आई आपका हो गया है, लेकिन डी आई अभी भी बाकी है, और भी टाइप्स बाकी है, कल भी डी आई लेंगे, डी आई इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम ज्यादा ही लेंगे डी आई, ठीक है। कल भी डी आई ही होगा, डी आई को लाइटली मत लो, चलो ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय बाय।